नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं ब्रिंजल बैगन। जैसे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसे 20 लीटर के पुराने फूटे हुए बाल्टी में रोक दिया हुआ है। और सॉइल मीडिया इसका बता दूँ तो मैं, इसका सॉइल मीडिया रहेगा दोस्तों 60% सॉइल और 30% वर्मी कंपोस्ट या गाय का गोबर और 5% रेत, 5% कोकोपीट और 2 स्पून नीम खली, 1 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच चूना। दोस्तों इन सबको मिक्स करके अच्छे से इसमें हम लगाएंगे। नीम खली का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, आपको सबको पता है, कोई फंगस वगैरह ना लगे इसमें मिट्टी में, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। एंटी फंगल होता है, हल्दी भी होता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं, जब घर पर हम ग्रो कर रहे हैं तो कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि हमें हार्मफुल हो, और हम इसे ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करेंगे। आप सभी चीज़ों को देख सकते हो, आप सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है, तो आप जब भी घर पर ग्रो करें ऑर्गेनिक ग्रो करें, और ऑर्गेनिक का स्वाद कुछ अलग ही है, तो उसका स्वाद जरूर लें। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम चलते हैं। महीने में इसे 2 बार इस पर नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें, क्योंकि इस पे नमी के कारण से रेड माइटी का असर बहुत तेज होता है। आप देख सकते हो, जब भी पौधे में जाओ पानी देने के लिए, तो पत्ते के ऊपर से पानी ना दे, इसको नीचे से पानी दे, और ओवर वाटरिंग से बिल्कुल बचें दोस्तों। इसमें 1 दिन के गैप पे वाटरिंग करें और थोड़ी सी मात्रा में करें, ताकि वाटर ओवरिंग ना हो, जिससे आपका बैगन बचा रहे। ओवर वाटरिंग होगा पौधा आपका ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे अचानक पौधा मरने का शुरुआत हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल बचें। फ्रूट तभी लें दोस्तों जब आपका प्लांट काफ़ी हेल्थी हो चुका हो, तभी इसे फ्रूट लें। स्टार्टिंग में जब भी कोई फूल हो, फ्लावरिंग हो आए, उसे तोड़ के निकाल दें, और उसके बाद जब सेकेंड स्टेज आए, तब उसमें हम फूल जब आए तो उसे रोकेंगे और उसे फ्रूट लेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका होने वाला जो न्यूट्रिशन बैगन को जो फ्रूट होगा, उसमें हेवी न्यूट्रिशन मिलेगा और उसकी अच्छी खासी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों अब आते हैं दोस्तों इसको सनलाइट की। दोस्तों हम इसे बैगन के प्लांट को वैसे जगह रखेंगे जहाँ पे इसे पूरी धूप मिलती हो। दोस्तों इसको धूप बहुत ही अच्छी लगती है, इसे जहाँ भी रखें 5 से 6 घंटे से धूप मिलती हो, सुबह की और शाम की भी, तो जिससे इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। मुख्य चीज़ यही है कि इसमें वाटरिंग थोड़ी 1 दिन गैप दे करके दें, और तभी दें जब मिट्टी ऊपर का सूख जाए, ठीक है। और महीने में 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे करें जरूर, जिससे आपका प्लांट हेल्थी बना रहेगा और कीट पतंगियों से बचा रहेगा। अक्सर इस पौधे पे कैटरपिलर इस पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि इस पत्ते खाने के लिए, तो उन सबसे का ध्यान रखें जिससे आपको पौधे ना खाए हो। जब भी दिखे तो उन्हें वहाँ से निकाल के फेंक दें। अगर आप रेगुलरली महीने में 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, तो आप इन सब चीज़ से बचा रहेगा आपका पौधा, और आप इससे ढेर सारा बैगन ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरा पौधा कितना हेल्थी है, अभी विंटर के समय में ये ग्रो हो रहा है, काफ़ी ठंड है, फिर भी उसके बावजूद बिना किसी दिक्कत के ये पौधा एकदम हरा और इतने बड़े बड़े पत्ते आप देख सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो ये मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।